सौतन के डर से ट्विंकल ने अक्षय को दिया अल्टीमेटम, मरने के बाद भी पति संग दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करेंगी ट्विंकल। ट्विंकल ने सुनाया अक्षय को दिए फरमान का किस्सा, जब अक्की को मिली बीवी से जहर खाने की सलाह। जी हाँ, शॉकिंग है लेकिन सच है कि खुद ट्विंकल खन्ना ने पति अक्षय कुमार को दी है जहर खाने की सलाह। ट्विंकल चाहती है कि अगर वो पहले मर जाए तो अक्षय उनके बिना एक दिन भी अकेले ना जिए और जहरीली घास खाकर उनके साथ ही दम तोड़ दें। उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि ये किस्सा खुद ट्विंकल ने जमाने को सुनाया है, वो भी अपने लेटेस्ट कॉलम में। अब ये बात तो जग जाहिर है कि मिसेस फनी बोन्स के नाम से फेमस ट्विंकल खन्ना अपने जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से लोगों के अटेंशन ग्रैब करती हैं। ट्विंकल अक्सर अपने कॉलम में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प बातों का खुलासा भी करती रहती हैं और अब ऐसा ही एक जबरदस्त किस्सा ट्विंकल ने अपने लेटेस्ट कॉलम में शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हाल ही में अपने एक वेकेशन टूर के दौरान उन्होंने अक्षय की दूसरी शादी के डर से पति को जहरीली घास खाकर जान देने के लिए बोल दिया था। और जानते हैं क्यों? सौतन के डर से। जी हाँ, सौतन के डर से ट्विंकल ने अक्षय को जहर खाकर जान देने का फरमान सुना दिया था। अपने लेटेस्ट वेकेशन के बारे में बात करते हुए ट्विंकल ने बताया है कि वेकेशन के दौरान टूर गाइड ने उन्हें टिक टिक नाम के एक पक्षियों के जोड़े के बारे में बताया था। गाइड ने बताया था कि ये पक्षी एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हैं कि जब उनमें से एक मर जाता है तो दूसरा पक्षी भी जहरीली घास खाकर अपनी जान दे देता है। हद तो तब हो गई जब टिक टिक पक्षी के बारे में ये बातें सुनकर ट्विंकल ने अक्षय को भी ऐसी ही सलाह दे दी। ट्विंकल ने अपने कॉलम में बताया कि गाइड की बातें सुनकर उन्होंने अक्षय को कहा कि अगर वो पहले मर जाती हैं तो उन्हें भी दोबारा शादी करने की बजाय जहरीली घास खा लेनी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं करेंगी। अक्षय को दिए अल्टीमेटम के बारे में बताते हुए ट्विंकल ने लिखा है कि अगर मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी को मेरे हैंडबैग के साथ घूमते हुए देखूं तो मैं वादा करती हूं कि मैं वापस आऊंगी और तुम दोनों को परेशान करूंगी। इसके आगे ट्विंकल ने अक्षय के रिएक्शन के बारे में भी लिखा है। ट्विंकल ने बताया कि उनकी ये बातें सुनकर अक्षय ने जवाब दिया कि मैं अभी वो जहरीली घास खाना चाहता हूँ, कम से कम तब मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी पड़ेगी। बता दें कि अक्षय और ट्विंकल की शादी को 23 साल हो चुके हैं। 23 साल के सफर में दोनों ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते रहे। अक्षय और ट्विंकल की जोड़ी बॉलीवुड की खूबसूरत और पावर कपल्स की लिस्ट में गिनी जाती है। खुद अक्षय ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि ट्विंकल और वो दोनों एक दूसरे से बेहद अलग है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बेहद रिस्पेक्ट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।